Hi guys, welcome back to our channel Realty 360 Degree. This is your host cum property advisor Jolly Yadav. And guys, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट बाय द रिनाउंड दिव्यांश ग्रुप. सबसे पहले ग्रुप के बारे में ही बात कर लें तो दिव्यांश ग्रुप गाजियाबाद के वन ऑफ द रिनाउंड बिल्डर्स में से एक हैं एंड बिल्डर ने पिछले 10 से 15 सालों में कई सारे प्रोजेक्ट अपने डिलीवर कर दिए हैं सक्सेसफुली. 8 से 10 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बिल्डर सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं जिनमें से रिसेंटली डिलीवर्ड दिव्यांश ऑनिक्स एक है. उसके अलावा दिव्यांश प्रथम, दिव्यांश फेबियो, दिव्यांश फ्लोरा जैसे कई और प्रोजेक्ट भी ये डिलीवर कर चुके हैं. बिल्डर अफोर्डेबल एंड लग्जरी दोनों सेगमेंट में केटर करते हैं. प्राइम लोकेशंस पर इनकी सभी प्रॉपर्टीज लोकेटेड हैं एंड आज मैं दिव्यांश ग्रुप के लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूं जो कि उन्होंने एक महीने पहले आदित्य वर्ल्ड सिटी में लॉन्च किया है. प्रोजेक्ट का नाम है दिव्यांश ओरायन. लेकिन मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको इस ग्रुप के एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट पर लेकर जाना चाहूंगी. पहले हम उस प्रोजेक्ट को देखेंगे ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लगे कि बिल्डर ने पास्ट में काम कैसे किया है अपना, उनका काम आप देख सकें. उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगी सीधे प्रोजेक्ट की लोकेशन पर जो है दिव्यांश ओरायन. गाइस, दिस इज दिव्यांश प्रथम जो कि इंदिरापुरम में लोकेटेड है. दिव्यांश ग्रुप इस प्रोजेक्ट को 2014 में सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं. फुली ऑक्यूपाइड प्रोजेक्ट है जिसमें रेसिडेंट्स काफी पहले मूव इन कर चुके हैं. इस प्रोजेक्ट में 2, 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स थी. इंदिरापुरम की लोकेशन है, प्राइम लोकेशन की ये प्रॉपर्टी है एंड आप एक पीछे आप प्रोजेक्ट को देखकर एक बार आइडिया भी लगा सकते हैं. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस प्रोजेक्ट की काफी ज्यादा अच्छी है. ऑलमोस्ट 10 साल पहले ये प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ था बट आज भी इसकी क्वालिटी काफी शानदार है. गाइस, मैं आ चुकी हूँ आदित्य वर्ल्ड सिटी टाउनशिप के गेट पर. बैंगोन NH24 की लोकेशन रहेगी एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये टाउनशिप है तो यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनमें से एक है दिव्यांश ओरायन. मेन रोड से प्रोजेक्ट आपका अप्रोक्स 800 मीटर्स के डिस्टेंस पर है. फिलहाल मैं प्रोजेक्ट पर जाऊँ उससे पहले आपको इस एरिया की कनेक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड NH24 की प्रेजेंस से आपको मेरठ एंड दिल्ली दोनों की काफी इजी कनेक्टिविटी मिल जाती है. दिल्ली यहाँ से अराउंड 20 मिनट्स के डिस्टेंस पर है एंड मेरठ अप्रोक्स आपका 45 मिनट्स के डिस्टेंस पर है. नोएडा यहाँ से 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. नोएडा एक्सटेंशन एंड ग्रेटर नोएडा की भी आपको यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाती है. FNG एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी यहाँ से है. मेट्रो स्टेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको 2 मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी मिलती है. नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन एंड शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन. प्लस एक और काफी अच्छी चीज ये है कि प्रोजेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट, फिलहाल तो आप ये सामने रेसिडेंशियल देख सकते हैं, इसी के एडजॉइनिंग मणिपाल हॉस्पिटल है एंड उसी के बिल्कुल एडजॉइनिंग बन रहा है ADS खाइबर रेंज जो कि एक मॉल है. अब मैं एजुकेशनल हब्स की भी बात करूं तो NH24 की लोकेशन पर ही आपके 3 से 4 मेजर इंस्टीट्यूट भी मिल जाते हैं. ABS इंजीनियरिंग कॉलेज आपका नजदीक है. IMS इज ऑल्सो वेरी नियर. उद्योष हॉस्पिटल यहाँ से आपका अप्रॉक्स 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. गाजियाबाद रेलवे स्टेशन 10 मिनट की दूरी पर है. गाजियाबाद RTC जहाँ पर आपको मेजर आउटलेट्स मिल जाते हैं वो भी यहाँ से आपकी अप्रॉक्स 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पर है. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की भी मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इजिली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाती है. प्रॉपर यहाँ पर आपका चलता हुआ रोड है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो गाइस, दैट वाज द लोकेशन. अब मैं आपको लेकर चलती हूँ साइट की तरफ एंड गाइस मैं आ चुकी हूँ प्रोजेक्ट की साइट पर. पीछे है मेरे दिव्यांश ओरायन का सेल्स ऑफिस एंड मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है प्रोजेक्ट की एक्चुअल साइट. प्रोजेक्ट को लास्ट मंथ ही रेरा रिसीव हुआ है एंड काम इन्होंने अभी से शुरू कर दिया है. डिगिंग का काम शुरू हो चुका है. प्रोजेक्ट पूरा आपका 100% मायवान फ्रेमवर्क के साथ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. 3 साइड ओपन प्लॉट एरिया रहेगा. इनफैक्ट ये आपका फुली पेड अप लैंड पे डेवलप हो रहा है. 3 एकर्स की लैंड रहेगी जिसमें सिर्फ 3 टावर्स रहेंगे G+19 फ्लोर की हाइट के साथ एंड यहाँ पर आपको 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स में ऑप्शंस मिल जाते हैं. कई सारे साइजेस मिल जाते हैं जो कि आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन है.
इनफैक्ट मैं पर फ्लोर की भी बात करती हूँ, तो फ्लोर आपके 4 to 6 अपार्टमेंट्स रहेंगे विद 2 and 3 लिफ्ट्स फॉर ईच फ्लोर। उसके साथ साथ इनफैक्ट मैं पूरे प्रोजेक्ट की टोटल यूनिट्स की भी बात करती हूँ, तो अप्रोक्स आपकी 270 यूनिट्स रहेगी, यानी कि पर एकड़ यहाँ पर अप्रोक्स आपकी 90 यूनिट्स रहेगी। दैट विल मेक दिस प्रोजेक्ट वेरी लो डेंस, काफी लो डेंस आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा। उसके साथ साथ अगर मैं अमेनिटीज की बात कर लेती हूँ, तो यहाँ पर क्लब हाउस आपका 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में डेवलप होगा, G+1 के एलिवेशन के साथ रहेगा, एंड उसमें आपको मिलेगी मल्टीपल अमेनिटीज। फॉर इंस्टेंस आपके क्लब हाउस का पार्ट रहेगा स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, बैंकेट हॉल, कैफेटेरिया, मल्टीपल इंडोर गेम्स के आपके पास ऑप्शन रहेंगे। साथ ही साथ आउटडोर एरियाज की भी बात करें, तो वहां पर भी आपको मल्टीपल आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज मिल जाते हैं, मल्टीपल आपके गार्डन्स रहेंगे, साथ ही साथ पार्क एरियाज आपको प्रॉपर डेवलप करके दिए जाएंगे। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट में टेरेस एरिया को भी प्रॉपरली डेवलप किया जाएगा, उसमें आपके आर्टिफिशियल गार्डन्स रहेंगे, सिटिंग एरियाज आपके प्रॉपरली डेवलप किए जाएंगे, सो पूरा टेरेस एरिया भी आपको डेवलप करके दिया जाएगा। ओरियन होम्स की USPs की बात की जाए, तो ये प्रोजेक्ट फुली पेड अप लैंड पे डेवलप हो रहा है। सबसे बड़ी USPs की ये है कि ये आदित्य वर्ल्ड सिटी टाउनशिप का एक पार्ट है, जिससे आपको टाउनशिप के कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। टाउनशिप के अंदर आपका स्कूल प्रेजेंट है, मंदिर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैन मंदिर है, वैष्णव मंदिर है, कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं, एक मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका पेट्रोल पंप इन फ्यूचर आने वाला है। सो आपको टाउनशिप की कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिल जाती हैं। ये आपकी अप्रोक्स 300 एकर्स की टाउनशिप है, जिसके अंदर आपके हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, लो राइज प्रोजेक्ट्स हैं, प्लॉट्स हैं, एंड दिव्यांश ग्रुप एक आ चुका है यहाँ पर। वैसे सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर आदित्य बिल्डर के ही है, उसके अलावा एक और बिल्डर यहाँ पर आ चुके हैं, वो है AU द सनफ्लावर, जिनका प्रोजेक्ट द सनफ्लावर इसी लोकेशन पर लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस इज द प्राइसिंग। प्राइसिंग को अगर हम कंपेयर करें यहाँ के बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से, तो वो काफी ज्यादा डिसेंट है। गॉर्ज बहुत जल्द यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, एंड उन्होंने अपने जो लॉन्चिंग प्राइस यहाँ पर रखे हैं वो 10,000 पर स्क्वायर फीट के रखे हैं। अगर मैं AU की बात करती हूँ, जो कि बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइनिंग है, तो वहां पर आज के टाइम पे 9,500 पर स्क्वायर फीट के रेट्स चल रहे हैं। VVIP नामा, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, 1 से 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसमें आज के टाइम पर 8,000 से 8,500 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। ADS फ्लोरल पाथवेज, जो कि अगेन एक काफी रिनाउंड प्रोजेक्ट है इस लोकेशन का, अगर वहां के रेट्स की भी बात करती हूँ, तो 9,500 का रेट वहां पर चल रहा है। दिव्यांश ओरियन की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपको काफी स्पेशियस साइजेस मिल जाते हैं, लग्जरी सेगमेंट का ये प्रोजेक्ट है, एंड यहाँ की BSP यहाँ के जो रेट्स हैं वो रहेंगे 7,000 पर स्क्वायर फीट। काफी ज्यादा डिसेंट रेट्स आपको इस प्रॉपर्टी में मिल रहे हैं। सिमिलर लोकेशन है सभी प्रोजेक्ट की, सिमिलर सेगमेंट है, सेम सेगमेंट के आपको साइजेस मिल रहे हैं, एंड फिर भी आप देखिए प्राइसेस में कितना ज्यादा डिफरेंस है। दिव्यांश ओरियन होम्स में कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा डिसेंट रेट्स मिल रहे हैं। सो ये बहुत ही बड़ा एक मेजर प्लस पॉइंट है दिव्यांश ओरियन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द बिल्डर। बिल्डर अच्छा है या नहीं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं। दिव्यांश ग्रुप की मैं बात करूं, तो गाजियाबाद में काफी बड़े बिल्डर हैं ये, और इनके कई सारे प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपके साथ ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। गाइज, अगर इस प्रोजेक्ट में आप लोन भी लेना चाहते हैं, तो आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। बजाज, इंडियन बैंक, HDFC बैंक से आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। एंड ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो कि अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, जिसमें वो अगले 1 साल या अगले 2 साल में एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप अप्रिसिएशन काफी अच्छा ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर एंड यूजर्स भी इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि 3 से 4 साल वेट कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी बुक करके काफी अच्छा अपना अमाउंट बचा लेंगे। एंड गाइज, ये तो थे इस प्रोजेक्ट की USP, उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा लो डेंस भी है। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट दिव्यांश ओरियन। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो के दौरान अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन कवर नहीं कर पाई हूँ, एंड आप वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं,
तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर सिंपली अपनी क्वेरी कमेंट कर सकते हैं। आवर टीम विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। गाइस, रेट्स का आइडिया मैं आपको दे चुकी हूँ। 7000 पर स्क्वायर फीट का फिलहाल यहाँ पर रेट चल रहा है, जो कि किसी भी टाइम रिवाइज हो सकता है। सो जल्दी से आइए, जल्दी से अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टी बुक कीजिए। इनफैक्ट प्रॉपर्टी बुक करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार आके आप ये लोकेशन जरूर देखिए, ये पूरी टाउनशिप आप एक बार देखिए, आपको टाउनशिप काफी ज्यादा पसंद आएगी एंड उसके बाद आप एक वाइज डिसीजन अपना ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स खासकर ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ना छोड़ें एंड एंड यूजर्स जो कि फ्यूचर में शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है। सो गाइज, एक बार इस प्रॉपर्टी को विजिट जरूर कीजिएगा एंड दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।